ओम शांति। आज 28 दिन 2024, 28 मार्च 2024, मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, इस युग को तुम भूलो नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये कलयुग अंत और सत्ययुग आदि में जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है तो इसको बाबा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसमें बाबा कहते हैं, ये पुरानी कलयुगी दुनिया बदल कर नहीं होती है, इस युग को तुम भूलो नहीं। प्रश्न है, शिव बाबा छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी शिक्षा है? उत्तर, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। बाबा ने कहा, अब तक भूले करते आए, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो, भूले करते हो तो दुख देते हो। शिव बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म, तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। योगी बनो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत बहुत मीठा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अब भूल नहीं करो, नर से नारायण बनने के लिए दैवी गुण धारण करो, अपने में दिव्य गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो, भूल नहीं करो। जैसे बाबा की डायरेक्शन, बाबा का डायरेक्शन देते हैं, बच्चे माँ में कमी याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया, आप कौन, मैं कौन, मैं आत्मा, और दूसरा ही पाठ हमारा है पवित्रता। तो पवित्र बनने में महावीर के समान अचल अडोल रहना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। जो भी हमारी कमियां, कमजोरियां, विकार बचे हैं, वो शिव बाबा को याद करके उसको निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, शिव बाबा जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। बाबा जो सही सही बात तुमको सुनाते हैं वह सुननी है। हियर नो एविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। कुछ भी बाबा कहते हैं गलत बातें ना सुनो, सभी को सजग करो। पुरुषोत्तम युग से पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। इस पुरुषोत्तम संगम युग से खुद अपनी आत्मा को गुणों से भरो और सभी को बनाओ। वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, बातन का रोग सूली से काटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। बाबा कहते हैं, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। भले ये तन का रोग हिसाब किताब आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, अगर आत्मा स्वस्थ है, आत्मा शक्तियों से संपन्न है, तो चेहरे पर बीमारी के चिन्ह भी नहीं रहते। खुद संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट रहते कर रहते हैं। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो। बाबा के सुरुद्र यानी यज्ञ में दिल से तन से आपस में, इस ब्राह्मण परिवार में आपस में प्यार से शिव बाबा के एक रुद्र ज्ञान यज्ञ में एक छोटी सी भी सेवा करेंगे, चाहे वो मन से, वाणी से, कर्म से, कैसे भी करेंगे, तो बाबा क्या सफलता निश्चित मिलेगी और परमात्मा का आशीर्वाद स्वतः आपके ऊपर रहेगा। आज की मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का ऑरेंज कलर का प्रकाश, नारंगी प्रकाश मुझ आत्मा से, मेरी भ्रकुटी से, जहाँ से मैं तिलक लगाते हैं, वहाँ से वो प्रकाश निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। अपने घर के वायुमंडल को पवित्रता के सुरंग से रंग दीजिए। अपने आसपास के वायुमंडल को पवित्रता के रंग से रंग दीजिए।
पवित्रता के कारण नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए आवश्यक है हमें अपने चारों ओर का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बनाना है, तो इसका अभ्यास करेंगे। साथ होमवर्क रहेगा हम बाबा के बच्चों का। बाबा ने कहा योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो मामे कम याद करो, तो बाबा को याद की यात्रा बढ़ाएंगे। मन बुद्धि से जब भी समय फ्री हो थोड़ा समय भी बाबा को याद करेंगे और मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा देखने का अभ्यास जरूर करेंगे। एक मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने आप को स्थिर करेंगे। आइए कुछ देर अपने आश्चर्यपन का अभ्यास करते हैं। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी होकर उड़ चली ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई ज्योति लाल सुनहरे परम धाम में सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न हो गई, सर्वगुणों से संपन्न होकर, समस्त शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा सूक्ष्म बतन में बाबा के समक्ष। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। आज बाबा जैसे मानो मुझे वरदानों से भर रहे हैं। मीठे बच्चे विजयी बाब, सफलता मूर्त बाब, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न